यमन में ईरानी राजदूत का निधन, जिनकी स्वदेश वापसी पर पश्चिमी मीडिया ने मचाया था हंगामा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने इस खबर की सूचना दी। उन्होंने कहा कि यमन में तैनात ईरान के राजदूत हसन ईडलू यमन में कोरोना से संक्रमित हो गए थे और वो सद्दाम के काल में ईरान पर थोपे गए युद्ध के दौरान रासायनिक बमबारी से पीड़ित भी थे। ईरानी राजदूत हसन ईडलू कुछ देशों की ओर से देर से मिलने वाले सहयोग की वजह से सही समय पर स्वदेश नहीं लौट सके और समय पर उनका उपचार नहीं हो सका। ईरान लौटने के बाद उनके उपचार की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन मंगलवार की सुबह उनका निधन हो गया। मालूम रहे कि ईरानी राजदूत हसन ईडलू की स्वदेश वापसी पर अमेरिका ने यह प्रोपेगेंडा किया था कि ईरान यमन संबंधों में दरार पैदा हो गई है। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज को और न्यूज की ताजा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, उसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।